इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार कर लिया गया है रिश्वत लेने के मामले में। ये गिरफ्तारी पूर्व मंत्री की हुई है, पूर्व में वन मंत्री वो रह चुके हैं अमरिंदर सरकार में। पंजाब के विजिलेंस ब्यूरो ने ये गिरफ्तारी की है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं साधु सिंह धर्मसोत। चार दिन पहले मोहाली के डीएफओ की गिरफ्तारी हुई थी और घूस लेने के मामले में डीएफओ की ये जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें डीएफओ ने जो पूछताछ उनसे की गई थी उसमें साधु सिंह धर्मसोत का नाम लिया था। इस वक्त हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ज्यादा अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गजाली, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, अमरिंदर सिंह की सरकार में पूर्व मंत्री थे साधु सिंह धर्मसोत, वन मंत्री थे और सोशल जस्टिस मंत्री भी थे। उस वक्त भी इनके ऊपर एक बार एससी एसटी स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप स्कैम के आरोप भी लगे थे और इन्हीं के महकमे के जो आईएएस ऑफिसर थे, सेक्रेटरी थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में इनको इंडाइक्ट किया था यानी आरोपी घोषित किया था, लेकिन अमरिंदर सिंह ने इनको क्लीन चिट दे दी थी, यानी सरकार ने अपनी एक इंक्वायरी करके उस मामले में तो इनको क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन इस वक्त इनकी गिरफ्तारी जो है वन मंत्रालय के कामकाज में घूस लेने के एक शिकायत पर हुई है और ये सब तब हुआ जब तीन चार दिन पहले मोहाली के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को, जिला वन अफसर को जब मोहाली पुलिस विजिलेंस ने अरेस्ट किया था घूस के मामले में, तो उसके साथ पूछताछ में इन्होंने मंत्री का नाम लिया और मंत्री के खिलाफ विजिलेंस पहले से ही काफी सबूत इकट्ठे कर रखा था और विजिलेंस ने कल मुख्यमंत्री से बात की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रात में, देर रात उनको ये इजाजत दी, ये परमिशन दी कि हाँ अब अरेस्ट या गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री का ये भी वक्तव्य था कि जब हम अपने मंत्री को कैबिनेट से हटा सकते हैं करप्शन के चार्जेस पर, तो वन मंत्री, पूर्व वन मंत्री को अरेस्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप उनको अरेस्ट कीजिए। उसके बाद आज उनको सुबह सुबह बिल्कुल गिरफ्तार किया गया है और ये उस वक्त हो रहा है जया जब आज पंजाब में राहुल गांधी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने वाले हैं। जी, तो कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं गजाली सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ हम जानते हैं सिद्धू मूसेवाला केस में अभी तक जो शार्प शूटर्स हैं जिन्होंने गोली चलाई वहां तक पहुंच नहीं पाई है पुलिस, हालांकि लीड्स को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है, उस केस में काम चल रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी आज मिलने जा रहे हैं मूसेवाले परिवार से। इस बीच ये खबर आती है कि कांग्रेस में जो मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री, वन मंत्री, उनकी ये गिरफ्तारी, टाइमिंग पर सवाल। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार ने जो अपनी छवि बनाई थी खुद के कैबिनेट मंत्री विजय सिंगला जो सेहत मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार करके, उसी की एक अगली कड़ी ये है कि पूर्व मंत्री को भी यहाँ पर करप्शन के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है। और ऐसा नहीं है कि अमरिंदर सिंह को इसकी जानकारी नहीं थी, जहां तक हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अमरिंदर सिंह के वक्त जो है इंटेलिजेंस महकमे ने कई मंत्रियों के ऊपर एक डॉजियर तैयार किया था, एक फाइल तैयार की थी कि कौन कौन से मंत्री जो हैं करप्शन में इन्वॉल्व हैं, और ऐसी फाइल का जिक्र अमरिंदर सिंह भी कई बार कर चुके हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी, जब उनको मुख्यमंत्री से हटाया जा रहा था तब भी उन्होंने सोनिया गांधी के पास ये फाइल भेजी थी, और जब नई सरकार आ गई उसके बाद भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल में ही ये बयान दिया था कि मैं कई पूर्व साथियों की, अपने पूर्व साथियों की जानकारी करंट सरकार को दूंगा ताकि वो उस पर एक्शन ले। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग पे तो सवाल उठ रहा है, लेकिन भगवंत मान की सरकार ने जो अपनी छवि बनाने की कोशिश की है उसमें उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली विस्तार से बताने के लिए कि किस तरह से वन अधिकारी डीएफओ जिनकी गिरफ्तारी थी पूछताछ में, पूर्व वन मंत्री धर्मसोत जो कांग्रेस सरकार में, अमरिंदर सरकार में वन मंत्री रह चुके हैं, उन पर रिश्वत का आरोप लगाया है बतौर वन मंत्री रहते हुए, और आज उनकी गिरफ्तारी हुई है।